राधा रानी की एक एक भाव ही वो एक एक गंभीर रूप धारण करती है। इसलिए इसलिए हमारे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, क्योंकि ये गोपियां और कोई नहीं ये राधा रानी ही, इसलिए इनका नाम राधा। राधा मतलब क्या है, जो विशेष पूर्वक कृष्ण को आराधना करती है, इसलिए इनका नाम राधा इनका नाम है। इसलिए कहती है ललिता कौन है, कहती है राधा रानी की जो लालित्य व राधा रानी की जो सुंदरता वो एक रूप धारण की है ये ललिता सखी। इसलिए ललिता सखी कहते ये बड़ी दयालु, ये बड़ी दयालु श्री ललिता सखी। इसलिए अगर ललिता सखी की कृपा हो ना तब भी कोई राधा कृष्ण का सेवा कर सकते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना राधा कृष्ण प्राण मोरा ललिता विशाखा आदि जब तक सखी वृंद। क्या हम डायरेक्ट है हम लोग दोबारा बोल दो थोड़ा गुरुदेव रिपीट करो। हरि बोल हरे कृष्ण। कैसे ललिता विशाखा आदि जब तक सखी वृंद आज्ञा करिव सेवा चरणारविंद। कहते हम डायरेक्ट राधा कृष्ण का सेवा हम नहीं कर सकते, फिर इनको सेवा कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए पहले श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कबे लोकनाथ मरे संग लिया जावे श्री रूप पाद पद में मरे समर बिबे। हमारा हाथ पकड़ कर कौन ले जाएगा, बोले श्री गुरु पाद पद में हमारी हाथ पकड़ कर कहाँ ले जाएंगे, कहते श्री रूप मंजरी को पास में ले जाएंगे। फिर रूप मंजरी क्या करेगी, हमें लेकर के श्री ललिता को पास में पहुंचाएगी। फिर ललिता क्या करेगी, फिर हमें लेकर के श्री किशोरी जी को राधा जी को पास में पहुंचाएगी। फिर राधा जी क्या करेगी, फिर श्याम सुंदर का सेवा में लगाएगी। इसलिए हम डायरेक्ट एक अगर कोई सोचे गुरु जी को कोई जरूरत नहीं, वैष्णवों का कोई जरूरत नहीं, हम तो छलांग लगा करके श्री ठाकुर को सेवा प्राप्त करते, बोले नहीं हम छलांग लगाओगे ना फिर टांग टूट जाएगा, फिर टांग टूट जाएगी। इसलिए हम छलांग नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारे श्री गुरु जी हमारी हाथ पकड़ करके सबसे पहले ले जाएगी, लास्ट में जाकर ललिता को पास में पहुंचेंगे। फिर ललिता हमें जुगल सेवा की अधिकार में हमें प्रदान करेंगे। इसलिए ये ललिता सखी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु ये ललिता। अगर किसको अंदर में ब्रज में जब कोई छोटी लड़कियां जन्म होती है ना, ब्रज की लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, पूर्व जन्म में कठोर तपस्या करके कुछ श्रुतिचरी कुछ मुनिचरी कुछ वेद का मंत्र ये सबके सब तपस्या करके प्रकट ब्रज में ये गोपी रूप में जन्म ग्रहण करती है। जब कोई गोपी रूप में जन्म ग्रहण करती है देखना कि रुचि पर क्या होता है, जब बच्चा घुटन पर चलना शुरू करे उसको सामने बहुत सारी चीज रख लेते हैं, फिर वो घुटन पर चलते चलते जिस चीज को स्पर्श करती है उससे पता चलता है इसका भविष्य क्या है। इतने में ललिता क्या करती है, वो राधा रानी की एक वस्त्र लेकर के जाती है और रुचि परीक्षा में वो वस्त्र रख देती है। अगर वो छोटी लड़की अगर घुटन पर चलते चलते अगर राधा रानी की वस्त्र को अगर स्पर्श करते ना, फिर तो ललिता समझ जाती है ये बड़ी बन करके हमारे श्री किशोर जी के गढ़ में आने वाले, श्री राधा जी के गढ़ में आने वाले। इसलिए ललिता की जो नजर है ना।